सो हाय गाइज, वेलकम बैक एट माई यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज, यह वीडियो आपके लिए क्लास टेंथ के संस्कृत के चैलेंजिंग वीडियो है। आपको इस 15 सवाल में से देखते हैं कि आप कितने के जवाब दे पाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है वो मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है। और अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस 15 सवालों में से कितने का जवाब सही दिया है। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का क्या नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा जो पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति। इसमें हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इन संस्कृत साहित्य लेखक पाठ जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उस पाठ में किसके महत्व के वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है पुरुष, दुर्जन, सजन, औरत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, औरत। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, औरत। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 24, 20, 18, 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? यानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में क्रमवीर कथा दिया हुआ है समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन दिया हुआ है धनी वर्ग, दलित, कुलीन, अल्पसंख्यक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, दलित। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? यानी स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है आर्य समाज संस्थापक, समग्र विकास संस्थान संस्थापक, ब्रह्म समाज संस्थापक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज संस्थापक। स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापक थे, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र पथी के कथा पाठ के रचयिता कौन है? यानी व्याघ्र पथी के कथा में जो पाठ पुस्तक में दिया हुआ है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी बाढ़ भट्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण पंडित। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण पंडित। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? यानी विश्व शांति जो हमारे पाठ पुस्तक में पाठ दिया हुआ है उस पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है अशांति, शांति, देशभक्ति, वैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, अशांति। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मगदलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन दिया हुआ है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदाग्र से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद से। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषद से। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? यानी भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ईश्वर, जंतु, दानव, मनुष्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन दिया हुआ है सत्य से, विधा से, वृत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य से। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम में पाठ के कवि कौन है? यानी मंदाकिनी वर्णम जो है पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्मीकि। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कर्णस्य पाठ दानवीरता जो पाठ हमारे पाठ पुस्तक में दिया हुआ है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है कर्णभार से,
वासवादता से, प्रतिमा नाटक से, मिर्च कटिका से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णभार से। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कर्णभार। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कपिल, गौतम, कनाद, पतंजलि। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम में पाठ में किस नगर का वर्णन है? यानी जो हमारे पाठ पुस्तक में पाटलिपुत्र वैभवम में पाठ जो दिया हुआ है, उस पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है गया, नवादा, आरा, पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इन 15 सवालों में से कितने का सही जवाब दिया है। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस प्रकार जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।